वेलकम बैक गाइज, प्रोकेट बिगनर्स ट्यूटोरियल इन हिंदी पार्ट 5 में मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ एडजस्टमेंट टूल का। एडजस्टमेंट टूल में हमारा हाफ बचा हुआ पार्ट था जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हाफ बचे हुए पार्ट में आता है नॉइज। नॉइज मैं सिलेक्ट कर ली हूँ, उसमें हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है क्लाउड, क्लाउड में भी तीन ऑप्शंस मिलते हैं, स्केल, ऑक्टिव, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस आप उसके बाद अपने परसेंटेज को सेट कर ले। उसके बाद आता है हमारा ब्लो, ब्लो में भी तीन ऑप्शंस मिलते हैं हमें, आप अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा थर्ड ऑप्शन रेजेस, रेजेस में भी हमें वही तीन ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कर सकते हो यहाँ पे। फिर आता है हमारा शार्पन ऑप्शन, इसमें भी फिर मैं लेयर सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद इसमें भी वही सेम है पिछली बार की तरह, आप लेफ्ट से राइट की ओर ले जाओ तो आपका परसेंटेज बढ़ेगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कैसे ये शार्प दिख रहा है जैसे मैं परसेंटेज बढ़ा रही हूँ। फिर आता है हमारा ब्लूम ऑप्शन, इसमें भी मैं लेयर सेलेक्ट कर रही हूँ। इसमें भी तीन ऑप्शन नीचे में मिल रहे हैं, ट्रांजेक्शन, साइज, बर्न। ब्लूम में भी वही सेम है, आप लेफ्ट से राइट की ओर ले जाओ तो आप देख सकते हो कैसे ये ब्लूम। एक्चुअली होता है क्या कि जो भी लाइट पार्ट है ना इसको और ग्लो कर देता है उस पार्ट को। फिर है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ग्लिच, ग्लिच में मैं लेयर सेलेक्ट कर चुकी हूँ। इसमें चार ऑप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट है आर्टिफैक्ट जिसमें नीचे तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें, अमाउंट, ब्लॉक साइज और जूम, आप अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कर लो। उसके बाद फिर आता है हमारा वेव, वेब में हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और जूम, आप अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कर सकते हो। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है सिग्नल, सिग्नल में हमें तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, अमाउंट, ब्लॉक साइज और जूम, आप अपने हिसाब से परसेंटेज ज़्यादा कम कर लो। उसके बाद आता है हमारा डाइवर्स, डाइवर्स में भी हमें चार ऑप्शन मिलते हैं, रेड शिफ्ट, ग्रीन शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट और जूम, आप अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हाफ टोन, हाफ टोन में फिर मैं लेयर सेलेक्ट कर रही हूँ। हाफ टोन में तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला फुल कलर, आप देख सकते हो और ये डॉट डॉट में कुछ है। और फिर आता है हमारा स्क्रीन प्रिंट, स्क्रीन प्रिंट जैसा हमें दिखता है कुछ वैसा टाइप का यहाँ पे। फिर हमारा न्यूज़पेपर, यहाँ पे न्यूज़पेपर इफेक्ट हमारा आता है इससे। उसके बाद फिर आता है हमारा क्रोमेटिक एब्रिएशन, इसमें भी मैं लेयर सेलेक्ट कर रही हूँ। इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रस्पेक्टिव और डिस्प्लेस। प्रस्पेक्टिव में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, ट्रांजेक्शन और फॉल ऑफ, आप अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कर सकते हो। डिस्प्ले, डिस्प्ले में हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लर और ट्रांसपेरेंसी, आप इसमें भी अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट लिक्विफाइड, लिक्विफाइड में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पुश, पुश में हमें चार ऑप्शन मिलते हैं, साइज, प्रेशर, डिस्ट्रक्शन, मोमेंटम। मैं फायर पार्ट सेलेक्ट कर ली हूँ, आप देख सकते हो कि मैं जिस तरफ पुश कर रही हूँ उसी तरफ ये पुश हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा ट्विस्ट राइट, ट्विस्ट राइट में भी वही चार ऑप्शन है, आप अपने जो जिस भी पार्ट को राइट की तरफ ट्विस्ट करना चाहते हो आप ट्विस्ट राइट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा ट्विस्ट लेफ्ट, ये भी सेम है ट्विस्ट राइट की जैसे। उसके बाद आता है हमारा पिंच, पिंच में हमारा जो फायर है वो स्मॉल होते जाएगा और थोड़ा सा लंबा होते जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंड, एक्सपेंड में हमारा फायर थोड़ा एक्सपेंड होने लगेगा, थोड़ा बड़ा होने लगेगा। उसके बाद आता है हमारा क्रिस्टल, क्रिस्टल में हमारा फायर थोड़ा क्रिस्टल के जैसे होगा, इसकी जो है कॉर्नर निकलने लगेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद आता है एडेज, एडेज में ये फिर स्मॉल होते जाएगा। फिर आता है रिकन्स्ट्रक्शन, एडजस्टमेंट, रीसेट। उसके बाद आता है हमारा क्लोन टूल, क्लोन टूल में आपको दिख रहा होगा एक सर्कल, मैं चाहती हूँ कि ये जो फायर वाला पार्ट है वो किसी और जगह सेम बनाने का, तो मैं क्या करूँगी इस सर्कल को फिक्स कर दूँगी फायर वाले पार्ट के जगह पे। उसके बाद मैं जिस जगह पे चाहती हूँ कि सेम फायर ड्रॉ करूँ उस जगह पे मैं पेंसिल
को चलाऊंगी।